करण लूथा की प्रॉपर्टी के ऑक्शन यानी कि नीलामी में पहुंच गया पृथ्वी। और ऋषभ प्रीता के करण के एकेडमी की नीलामी को बर्बाद करने के लिए अर्जुन पहुंच गया अंजलि के साथ ऑक्शन में। और भिखारण शलिन की हो गई वापसी जी। हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब करण के क्रिकेट एकेडमी के लिए करण के प्रॉपर्टी की नीलामी की खबर अखबार में छपेगी और वो अखबार जब पृथ्वी चाय की टपरी पर बैठे बैठे पढ़ेगा और देखेगा कि करण की डेथ एनिवर्सरी के दिन उसकी क्रिकेट एकेडमी के लिए उसकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन होने वाला है, तभी पृथ्वी शलिन को फटी हुई हालत में फोन करेगा, जहां पर शलिन एक गरीब काम वाली नौकरों की तरह काम करी होगी और पृथ्वी का फोन उठाएगी और कहेगी कि बोलो क्या काम है। तब पृथ्वी कहेगा, शलिन बेबी, कल करण की 5वीं डेथ एनिवर्सरी है और उस डेथ एनिवर्सरी के दिन वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा करण की प्रॉपर्टी को ऑक्शन में नीलाम कर रहा है, तो चलो वहाँ पर करण की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए नीलामी में जाते हैं। तब ये सुनकर शलिन कहेगी, तुम बेवड़े पागल हो गए हो क्या? करण की प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ कैसे आएगी? क्या वो ऋषभ लूथरा तेरे लिए तेरे सामने पेपर में साइन कर देगा? वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तब ये सुनकर पृथ्वी कहेगा, मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है, ऑक्शन की नीलामी तो तभी होती है ना जहाँ पर ऑक्शन में प्रॉपर्टी को बेचने वाला यानी ऋषभ ऑलरेडी उन पेपर्स पर साइन कर चुका होगा, इसीलिए जब कोई भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा और जब ऋषभ वो प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे देगा तभी हम उस प्रॉपर्टी के पेपर्स को छीन लेंगे और उस पर ऋषभ के सामने हमारे सिग्नेचर कर देंगे, जिस वजह से वो प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी और हम फिर से करेंगे लूथास पर राज। यह सुनकर शलिन को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन पृथ्वी के कहने पर ऑक्शन में शलिन चली जाएगी। लेकिन करण के 5वें एनिवर्सरी के दिन ऑक्शन की शुरुआत जब होगी और वहाँ करण यानी अर्जुन अंजलि हिंदुजा के साथ ऋषभ प्रीता को बर्बाद करने के लिए ऑक्शन में आएगा और ऋषभ प्रीता अर्जुन को ऑक्शन में देखेंगे, तभी ऋषभ के होश उड़ जाएंगे। लेकिन ऋषभ अर्जुन को अच्छा समझकर अर्जुन के सामने स्माइल करेगा, जहाँ पर जब करण के प्रॉपर्टी के ऑक्शन यानी नीलामी की शुरुआत होगी और एक के बाद एक बड़ी बोली लगेगी, तभी जब आखिर में बोली रुकेगी उसी वक्त सबसे ज्यादा बोली अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए करण यानी अर्जुन लगाएगा, जिसे देखकर ऋषभ के होश उड़ जाएंगे और उसकी ही प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। लेकिन जब ऋषभ प्रॉपर्टी के पेपर्स अर्जुन को देने के लिए जाएगा, तभी भिखारण सड़क छाप पृथ्वी शलिन उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को चुराने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर जब अर्जुन की नजर फटी चाहे पृथ्वी शलिन पर जाएगी, तभी गुस्से से अर्जुन शलिन पृथ्वी दोनों को मार मार कर भगा देगा। लेकिन ऋषभ खुशी खुशी ये प्रॉपर्टी अर्जुन के नाम कर देगा और इसके लिए काव्या अर्जुन को बोनस देने के लिए ऋषभ से जिद भी करेगी, जिसे देखकर अर्जुन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। लेकिन अंजलि अर्जुन को कहेगी, तुम ऐसे इमोशनल नहीं हो सकते, तुम्हें पता है ना कि हमें यहाँ पर बदला लेना है, इसलिए प्रीता ऋषभ से बदला लेने के लिए हमें पहले उनके दिल में जगह बनानी होगी और उनके यानी तुम्हारे परिवार के साथ मिलजुल कर रहना होगा। यह सुनकर अर्जुन बदले की भावनाओं में काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। लेकिन ऋषभ अर्जुन को डील फाइनल होने के बाद अपने घर पर इन्वाइट करेगा, यहाँ पर जब घर में कृतिका अर्जुन को देखेगी तभी कृतिका भाई कहकर अर्जुन को गले लगा लेगी और ऋषभ को कहेगी, ऋषभ भाई यही मेरे वो दूसरे भाई थे जिन्होंने मेरी बदमाशों से जान बचाई। यह सुनकर ऋषभ राखी माँ सबके होश उड़ जाएंगे और ऋषभ अर्जुन को अपनी फैमिली में जगह दे देगा। लेकिन आपका करण यानी अर्जुन ऋषभ प्रीता से बदला लेता हुआ नजर आएगा तो आपको कैसा लगेगा? और इस बार आप शलिन पृथ्वी को नेगेटिव रोल में देखना चाहते हैं क्या फिर पॉजिटिव रोल में? और अब आप अर्जुन के बदले पुराने करण को देखना चाहते हैं क्या नहीं? और आपको सबसे ज्यादा प्रीता ऋषभ की जोड़ी पसंद है क्या फिर अर्जुन प्रीता के? ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।